मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 नवंबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और आज हम बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले ही एक बार फिर कांग्रेस में भारी खींचतान शुरू हो गई है। बहुत बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे कैसे लोग स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि गहलोत और पायलट के बीच की सियासी जंग ने अब नया रूप ले लिया है। एक निजी राष्ट्रीय समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में मुख्यमंत्री गहलोत ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार सचिन पायलट पर किया है। गहलोत ने कहा है कि आलाकमान कभी भी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाएगा। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने पायलट और उनके साथी एमएलए पर बीजेपी से 10 करोड़ रुपए लेने की बात कही। साथ ही में बोले कि इस बात के सबूत उनके पास है। गहलोत ने कहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को गिराने का प्रयास किया और वह भी भारतीय जनता पार्टी के फंड पर मानेसर के होटल में। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, यह बातें सीएम गहलोत ने उस वक्त बोली जब सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल थी और आपको बता दूं पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी है कि प्रियंका और राहुल राजस्थान की कमान सचिन पायलट को देने के पक्षधर है और इस यात्रा के दौरान सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच कई दफे वार्ता भी हुई और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंता भी बढ़ गई होगी। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इतने बड़े बड़े बयान आना छोटी बात नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं एक बार फिर सीएम गहलोत ने आलाकमान को चुनौती दे दी है। इशारों ही इशारों में सीएम गहलोत ने कह दिया है कि उनको सीएम की कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता। इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम गहलोत की इस टिप्पणी के बाद अब सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पायलट ने कहा है कि आज से पहले भी गहलोत जी ने मेरे बारे में बहुत बातें बोली है, मुझे नकारा, निकम्मा कहा है। पायलट ने कहा है कि वह वरिष्ठ नेता है, मुझे लगता है इस तरह के बार बार बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, दीपावली के आसपास सरकार ने कहा था कि अगर आप मिलावट खोरों की शिकायत करते हैं तो आपको 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा और यह खबर मैंने भी आपको दी थी। यानी कि दीपावली के आसपास कई लोग अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं, जैसे कि मिठाइयों में और भी खाने वाली चीजों में। तो ऐसे में सरकार इनको रोकने के लिए यानी कि मिलावट खोर की सूचना देने वाले मुखबिर को 51,000 रुपए की राशि का इनाम देने का प्रचार तो शुरू कर दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है अभी तक इसके लिए वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। और इससे भी बड़ी बात यह है, इस योजना की हालत यह है, राजस्थान की 7.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में मात्र एक मुखबिर जो कि हनुमानगढ़ जिले से हैं, उस व्यक्ति ने मिलावट खोरी की सूचना दी थी, लेकिन उससे भी कोई राशि जारी नहीं हुई है। विभाग अभी तक उसकी सूचना की पुष्टि को नहीं कर पाया है। खैर यह राशि तो मिल जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है, योजना के हालात ये है, प्रदेश की 7.25 करोड़ की आबादी में मात्र एक ही मुखबिर शिकायत करने की हिम्मत दिखा सका। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से भी बड़ी खबर आ चुकी है। 4 दिन पहले पूर्व मंत्री की बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 दिन बाद प्रताप नगर से अपहरण हुई अभिलाषा को गुजरात से दस्तयाब कर लिया। पुलिस की टीम अभिलाषा को आज सुबह जयपुर लेकर पहुंचेगी। आपको बता दूं कांग्रेस नेता की बेटी अभिलाषा 4 दिन पहले प्रताप नगर में सब्जी लेने पहुंची थी, इसी दौरान किसी ने उनका अपहरण कर लिया। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अभिलाषा ने पुलिस को बताया है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। आखिरकार सच्चाई क्या है, इसका आज पता चल जाएगा। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम गहलोत ने बीजेपी नेताओं के राज्य में कांग्रेस सरकार के किसानों का कर्जा माफ नहीं करके वादा खिलाफी करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर चुकी है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि यह लोग बोलते रहते हैं कि कर्जा माफ नहीं किया है, जबकि हमारे पास रजिस्टर है जिसमें अंकित है गांव-गांव में कितना कर्जा माफ किया गया है। उन्होंने कहा है कि कर्जा माफ के लिए केंद्र की बैंकें सहयोग नहीं कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से भी आग्रह किया है, जब उद्योगपतियों के 5,000-8,000 करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का क्यों नहीं हो सकता।
भीलवाड़ा से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। भीलवाड़ा में गुरुवार को दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत और एक की हालत गंभीर होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला तो यह है, ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर किया गया है। भूतपूर्व सैनिक को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा, ओबीसी में अन्य अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान नीति का अनुमोदन भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, सियासी विवाद बन चुकी ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर किया गया है। पूर्व सैनिकों को अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा, कैबिनेट ने नियम बदलने की मंजूरी दे दी है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के कई शहरों का तापमान अब 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सर्द हवाओं के कारण भी कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने की संभावना है। तो फिलहाल यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।